नमस्कार, आप देख रहे हैं जेनाई न्यूज। जेनाई न्यूज में आप सबका स्वागत है। बाराबंकी जिले के देवा ब्लॉक की ग्राम सभा टेराखुर्द में 20 अगस्त 2019 को कोटे की खुली बैठक कराई गई, जिसमें सुशील कुमार सिंह की बहुमत ज्यादा होने से निर्विरोध विजय घोषित किए गए। लेकिन आज तक 3 महीने होने को है, प्रार्थी सुशील कुमार सिंह को आज तक लाइसेंस नहीं मिला है, जो कि 3 महीने से लगातार अपना कोटे का लाइसेंस पाने के लिए बराबर पैरवी कर रहा है। लेकिन 3 महीने होने को है, उसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। सुशील कुमार सिंह का कहना है कि जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर साहब से मिला, उन्होंने सुशील कुमार सिंह को पूछने पर बताया कि आप अर्जी में एनर्जी वेस्ट ना करें, ग्राम टेराखुर्द में दोबारा बैठक कराने की बात कर रहे हैं, जबकि कोटा सामान्य सीट का पहले भी था, आरक्षण आने के बाद भी सामान्य सीट है। श्रीमान एसडीएम नवाबगंज अभय कुमार पांडे जी अभी तक लाइसेंस के प्रति किसी भी अधिकारी को आदेश पारित नहीं किया। आइए देखते हैं दिनेश कुमार वर्मा का एक रिपोर्ट। हमारी समस्या ये है कि हमारे ग्राम पंचायत खुद टेराखुर्द में राकेश कुमार यादव प्रधान है, इन्होंने 14/8/2019 को दुग्गी बजवाया कि यहाँ पे कोटा चयन हेतु नियुक्त की जाएगी, बैठक की जाएगी जी। उसमें हम 20/8/2019 को चुनाव में घोषित किए गए। अच्छा, चुनाव हुआ तो आप चुनाव में घोषित किए गए, आप विजयी हुए। हाँ, विजयी हुए जी। उसका प्रस्ताव भी लिखा गया और प्रस्ताव हमारे पास भी है। प्रस्ताव शासन को भी भेजा गया, मगर आज तक 3 महीने लमसम हो रहे कार्यवाही की कोई हमें नहीं मिल रहा है। अच्छा, कोटा आपको नहीं मिल रहा, 3 महीना बीतने को है। 3 महीना आपकी फाइल कहाँ पर रखी हुई है? हमारी फाइल एसडीएम साहब के वहाँ रखी हुई है। अच्छा, तो आप मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से एसडीएम महोदय से क्या मांग करना चाहते हैं? हमारी फाइल की नियुक्ति की जाए। अच्छा, आपको नियुक्ति दिया जाए। ठीक है, यदि मान लिया अजलन नियुक्ति नहीं होती तो आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आगे हमारी कार्रवाई होगी कि हम हाईकोर्ट तक जाएंगे। अच्छा, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक आप मुकदमा दाखिल करेंगे, जो ऐसा नहीं करते हैं ना जी, क्योंकि हमारे पास प्रस्ताव भी है। ठीक, सारे कागज हमारे पक्ष में। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? सुशील कुमार सिंह। टेराखुर्द गांव निवासी हो? धन्यवाद।